जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ जी का आविर्भाव दिवस स्नान पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों में बताया गया कि चार युग में भगवान अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। सतयुग में भगवान बद्रीनाथ जी के रूप में प्रकट हुए, त्रेता युग में भगवान राम के रूप में प्रकट हुए, द्वापर में भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुए और कलयुग में स्वयं भगवान जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हुए। आज के दिन अनेक कुंडों से पवित्र जल, दूध, दही, पंचामृत के द्वारा बड़े बड़े पुजारी लोग भगवान का अभिषेक करते हैं और भक्तों के साथ मधुर कीर्तन करते हुए जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा होती है। स्नान यात्रा का उद्देश्य है कि जो व्यक्ति भगवान के इस दिन दर्शन करता है वो सभी प्रकार के पाप और मुक्त कष्टों से मुक्त हो जाता है। पूरे भारत भूमि से लगभग 125 तीर्थ कुंडों का जल हमने लाए मंगवाए हैं भगवान का अभिषेक करवाने के लिए, और इसके साथ ही जो सुंदर द्रव्य हैं जैसे दूध, दही, घी, शहद, ये सारी चीज़ें और फ्रेश जूसेस जैसे और शेक्स, इन सब से भगवान का अभिषेक करवाया जा रहा है। हरे कृष्णा। सबसे पहले आप सबको स्नान उत्सव की बहुत बहुत मुबारकें। अगर बात करें आज देश और विदेश में हर जगह पे धूमधाम के साथ जो है स्नान उत्सव जो है मनाया जा रहा है। अगर बात करें लुधियाना शहर की तो किस प्रकार से आज लुधियाना के सिविल लाइन इस्कॉन टेंपल में आज स्नान उत्सव जो है मनाया जा रहा है। आइए बात करते हैं नरोत्तम जी से जो कि प्रेजिडेंट हैं लुधियाना के। आइए बात करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो स्नान यात्रा भगवान जगन्नाथ जी का प्राकट्य उत्सव है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण के प्राकट्य उत्सव को जन्माष्टमी के रूप में, भगवान राम के प्राकट्य उत्सव को रामनवमी के रूप में मनाते हैं, उसी प्रकार जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ जी का आविर्भाव दिवस स्नान पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों में बताया गया कि चार युग में भगवान अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। सतयुग में भगवान बद्रीनाथ जी के रूप में प्रकट हुए, त्रेता युग में भगवान राम के रूप में प्रकट हुए, द्वापर में भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुए और कलयुग में स्वयं भगवान जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हुए। जगन्नाथ जी के रूप की दो विशेषताएं हैं, उनके हाथ खुले हुए हैं, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं। हाथ खुले करके भगवान ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि वो अपने भक्तों को स्वीकार कर रहे हैं और बड़ी बड़ी आंखों से वो अपनी कृपा दृष्टि से भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। भगवान के एक महान भक्त राजा इंद्रदुम्न की भक्ति से प्रसन्न होकर और सभी जीवों पर कृपा करने के लिए आज के दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ जी, जिनको दारू ब्रह्म के रूप में जाना जाता है, प्रकट हुए अपने भाई बलराम और सुभद्रा जी के साथ। आज के दिन अनेक कुंडों से पवित्र जल, दूध, दही, पंचामृत के द्वारा बड़े बड़े पुजारी लोग भगवान का अभिषेक करते हैं और भक्तों के साथ मधुर कीर्तन करते हुए जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा होती है। स्नान यात्रा का उद्देश्य है कि जो व्यक्ति भगवान के इस दिन दर्शन करता है वो सभी प्रकार के पाप और मुक्त कष्टों से मुक्त हो जाता है। और फिर इसके बाद 15 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ जी एक लीला करते हैं जिसमें वो बीमार हो जाते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी आज के 15 दिन बाद जगन्नाथ जी रथ यात्रा पर जाएंगे पूरे विश्व में भगवान के भक्तों पर कल्याण करने के लिए। तो इससे पहले कि वो रथ यात्रा पर जाएं, लक्ष्मी जी के एकांत में सेवा को स्वीकार करने के लिए 15 दिन तक भगवान एकांतवास करते हैं, जिसको अनसर काल बोलते हैं, जिसमें भगवान को खिचड़ी और दवाइयों के द्वारा सेवित करके लक्ष्मी जी उनको स्वस्थ करती हैं। आज की स्नान यात्रा का एक मुख्य आकर्षण रहेगा, स्नान यात्रा के बाद भगवान गजवेश धारण करते हैं। गजवेश मतलब गणपति का रूप। भगवान के एक भक्त थे जो कि जगन्नाथ जी को गणेश जी के रूप में देखना चाहते थे, तो उनकी प्रसन्नता के लिए जगन्नाथ जी और बलराम जी गणेश जी का रूप धारण करते हैं। शास्त्रों में बताया गया कि साल में जगन्नाथ जी दो बार अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं, एक बार स्नान यात्रा पे और दूसरी बार रथ यात्रा पे, और दोनों ही समय भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करना मंगलकारी है और पाप को दूर करने वाला है। तो आज हम सब भक्तों को निमंत्रण दे रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा में आएँ और भगवान की कृपा को प्राप्त करें। हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु। किस प्रकार से आज स्नान यात्रा जो है, स्नान उत्सव जो है मनाया जा रहा है? स्नान यात्रा ऐसे है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि ये जगन्नाथ जी का जो है, आज जगन्नाथ जी का जन्मदिन के उत्सव पे स्नान यात्रा का उत्सव मनाया जाता है, जो कि पुरी के दो ही मुख्य जो हैं, जैसे दो ही दिन भगवान जगन्नाथ जी बाहर निकलते हैं भक्तों के कृपा बरसाने के लिए, एक स्नान यात्रा पे और दूसरा रथ यात्रा पे। तो आज जो स्नान यात्रा का उत्सव है, स्नान यात्रा के दिन देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ जी का अभिषेक हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, लगभग देश के मतलब पूरे विश्व से या पूरे भारत भूमि से लगभग 125 तीर्थ कुंडों का जल हमने लाए मंगवाए हैं भगवान का अभिषेक करवाने के लिए, और इसके साथ ही जो सुंदर द्रव्य हैं जैसे दूध, दही, घी, शहद, ये सारी चीज़ें और फ्रेश जूसेस जैसे और शेक्स, इन सब से भगवान का अभिषेक करवाया जा रहा है। और ये ऐसा शास्त्रों में लीला है कि जैसे भगवान का स्नान यात्रा होता है, जैसे हम लोगों के साथ होता है, क्योंकि जगन्नाथ जी जो हैं कलयुग के अवतार हैं,
कृष्ण भगवान का अवतार हैं। जैसे जगन्नाथ जी को हम जानते हैं कि भगवान भी ऐसी लीला करते हैं, जैसे कि हम लोग मनुष्य जीवन अपने जीवन में सब लीला करते हैं, वैसे भगवान भी ऐसी लीला करते हैं। तो जब भगवान इतना स्नान करते हैं आज के दिन में, तो फिर भगवान को बीमार हो जाते हैं और 15 दिन के लिए भगवान के दर्शन अभी बंद रहेंगे। आज अभी आप जो दर्शन कर पा रहे हैं यहाँ भगवान के, ये लास्ट दर्शन होंगे आज के दिन, और इसके बाद 15 दिन भगवान बीमार रहेंगे। और फिर जब आपको दर्शन होंगे, सिर्फ सीधा जो जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है जब, जो कि यहीं से लगभग पिछले जो 15-20 सालों से लुधियाना से इसी मंदिर से यही जगन्नाथ जी रथ के ऊपर जाके विराजमान होते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। तो जैसे कि लुधियाना वासियों का इतना उत्साह है कि रथ यात्रा में इतना जुड़ते हैं, भगवान के लिए आते हैं, नृत्य कीर्तन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तो हम सब लोगों से यही प्रार्थना है कि सब लोग आइए, अभी स्नान यात्रा उत्सव चल रहा है, तो यहाँ पर आके भी जगन्नाथ जी का कृपा प्राप्त कीजिए। हरे कृष्णा। किस प्रकार से आज जो है स्नान यात्रा यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं? इस्कॉन लुधियाना सिविल लाइन्स में हम बहुत धूमधाम से आज स्नान यात्रा उत्सव मना रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि राजा प्रताप रुद्र जो है, उनके उस टाइम से ये परंपरा शुरू हुई है, जब जगन्नाथ जी का आविर्भाव हुआ तो उस दिन उनका महाअभिषेक करवाया गया, और ये खुद जगन्नाथ जी ने आज्ञा दिया था राजा प्रताप रुद्र को। तो यहाँ लुधियाना में और स्पेशली पूरे विश्व में श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज आप देखेंगे तो पूरे विश्व भर के अनेक इस्कॉन के मंदिर है, केंद्र है, जहाँ पर ये रथ यात्रा का फेस्टिवल मनाया जाता है, और उससे पहले स्नान यात्रा होती है। तो आज के दिन भी जगन्नाथपुरी में जैसे हम सब देख रहे हैं कि स्नान यात्रा में जगन्नाथ जी को बाहर लेकर आया जा रहा है, तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन में हम इस्कॉन मंदिर में भी स्नान यात्रा उत्सव मना रहे हैं। और सुबह से उसके लिए तैयारियां चल रही थी, जैसे कि मंदिर को सजाना, फूल बंगला सजाना, और भक्त सुबह से कथा चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, और आज शाम को अभी अभिषेक हुआ है जगन्नाथ, बलदेव जी और सुभद्रा जी का। मुख्य जो विग्रह हैं उनको साल में एक बार हम बाहर लेकर आते हैं और उनका अभिषेक होता है, और उसके बाद अब 15 दिन के लिए जगन्नाथ जी जो हैं वो बीमार पड़ जाते हैं और फिर वो अपने एकांतवास में जाएंगे। उस टाइम पे वैद्य, स्पेशल वैद्य द्वारा निर्मित कुछ दवाओं से उनका इलाज करवाया जाता है, और क्योंकि हमारी परंपरा में हम भगवान को सिर्फ विग्रह के रूप में नहीं बल्कि एक पर्सनालिटी के रूप में समझते हैं, राइट, तो इसलिए हम भगवान को उसी तरह से ट्रीट करते हैं। तो जब 15 दिन के बाद जगन्नाथ जी बाहर आएंगे तो फिर उनको रथ यात्रा के लिए हम लेकर जाएंगे बाहर में। तो आज का जो त्यौहार है, फेस्टिवल है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहे हैं, काफ़ी भक्त आए हैं यहाँ पर, जगन्नाथ जी के लिए विशेष 108/56 भोग हम लगा रहे हैं, तो इस प्रकार से बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है इस फेस्टिवल को। हरे कृष्णा। तो ये स्नान यात्रा, ये भगवान जगन्नाथ जी का अभिषेक हो रहा है, तो ये आज भगवान का प्राकट्य दिवस है, तो इसलिए उनको स्नान करवाया जा रहा है, एक गर्मी का सीज़न भी है तो इसलिए ये उत्सव मनाया जा रहा है। तो मतलब हमें तो बहुत अच्छा लगता है ये उत्सव, जगन्नाथ जी इस दिन अपने यात्रा से बाहर आते हैं, है बहुत बहुत वेट रहती है हमें। तो है। आपका क्या नाम है? याना। कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना इंतजार रहता है आपको? सबसे ज़्यादा इंतज़ार इसी चीज़ का रहता है हमें। और अच्छा क्या लगता है इसमें आपको? जगन्नाथ जी को बहुत सारा स्नान कराते हैं, फिर वो बीमार हो जाते हैं, 15 दिन के लिए एकांत स्थान में चले जाते हैं, तो उनको फिर 15 दिन बाद दर्शन होते हैं, रथ यात्रा होती है। ठीक है, आपको क्या नाम? भूमि। क्या कहना चाहोगे, कैसा लग रहा है स्नान उत्सव? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, जगन्नाथ जी आज स्नान होएगा, उनका भोग लगाएंगे हम, उनके बनाकर लाएंगे घर से। ठीक है। सान्या। मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने पहली बार देखना है ये, मैंने कभी देखा नहीं है लाइफ में, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ न्यू एक्सपीरियंस है, तो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। सो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारा आज का कार्यक्रम स्नान उत्सव बहुत ही अच्छा लगा होगा। लुधियाना लाइव के पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम अच्छा लगे सो प्लीज शेयर जरूर करें। सो कैमरा पर्सन मनोज के साथ हरदीप दुआ को दो इजाज़त। हरे कृष्णा।